बाइसेप डंबल कर्ल में भी आप लोगों में सेम कन्फ्यूज़न है। तो जैसे कल शोल्डर फ्रंट रेज का बताया था, अगर आप ये मूवमेंट करते हैं तो ये हर एक को सूट करेगा। आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस एथलीट हैं, ये सबको सूट करने वाला है। तो अगर आप ये करते हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप डंबल को रोटेट करके करते हैं तो ये एडवांस एथलीट्स को ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि उनका मसल एंड माइंड कनेक्शन ज़्यादा शार्प है। बिगनर्स का पूरा फोकस वो डंबल को रोटेट करने में ही लगा रहेगा, तो वो उतना मसल पे नहीं फोकस कर पाएगा। तो बिगनर्स इसको अवॉइड करें, एडवांस एथलीट इसको ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रेंज ऑफ मूवमेंट भी बढ़ जाता है और आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा है, तो ही करें। लेकिन अगर आप ये करते हैं, आप एल्बो लिफ्ट करके शोल्डर की हेल्प लेके उठाते हैं डंबल को, ये गलत है। लास्ट के 3-4 रैप में तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप पहले रैप से ये करेंगे तो ये ठीक नहीं है। 8 से 10 रैप सही स्ट्रिक्ट फॉर्म में लगाएं, उसके बाद 3-4 एक्स्ट्रा रैप करने के लिए ये कर सकते हैं। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का।